साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन कोटा है वो एक एक्स सर्विसमैन कितनी बार अवेल कर सकता है, क्या स्टेट में और सेंटर की जॉब में अलग अलग एक्स सर्विसमैन कोटा अप्लाई होता है। तो इसके लिए साथियों दोनों चीज है, हाँ भी और नहीं भी। आगे वीडियो में हम इसकी विस्तार से बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर जो पॉलिसी लेटर है DOPT ने इश्यू किया हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। वो पॉलिसी लेटर क्या बोलता है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के निशान को, घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सके। साथियों, इससे पहले भी हमने जॉब कोटा के बारे में एक वीडियो बनाया है, डिटेल्ड वीडियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जॉब रिजर्वेशन देती है, स्टेट गवर्नमेंट कितना देती है, रेलवेज कितना देती है, बैंक्स कितने देते हैं, यानी सबके बारे में डिटेल में किया हुआ है। आई बटन पे ऊपर फ्लैश हो रहा होगा उसका वीडियो का लिंक, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। कई बंदे पूछते हैं कि इसकी अथॉरिटी क्या है, कहाँ लिखा है कि जॉब का कोटा एक बार ही अवेल किया जा सकता है, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जॉब नोटिफिकेशन है उनमें भी लिखा होता है कि जो ऑलरेडी किसी में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो वो कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बैंक्स में भी ऐसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी जॉब होती है नोटिफिकेशन इश्यू होता है उसमें दिया हुआ है कि जो ऑलरेडी अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो उसको जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वो क्या कंडीशन है जिनमें हम इस परिस्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी हमने अप्लाई कर रखा है लेकिन जॉब हमको वो अच्छी वाली जॉब नहीं मिल पा रही है। रिटायरमेंट होने से पहले या रिटायरमेंट होने के बाद हमने 10-12 जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी की सैलरी जॉब की 45,000 है और किसी जॉब की सैलरी 20,000 है। हमने अप्लाई किया किसी ऐसी जॉब के लिए, क्लास 4 की जॉब के लिए भी किया, और वो जॉब का रिजल्ट पहले आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस बात को सोच करके आदमी ज्वाइन कर लेता है लोअर जॉब को भी, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बंदा रिटायर हो गया है, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, कम्यूटेशन के बाद पेंशन इन हैंड बहुत कम रह जाती है। 35-40 की उम्र में एक सोल्जर रिटायर हो जाता है, उसके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और पेंशन उसके सामने कुछ नहीं होती है, उसको तुरंत जॉब की जरूरत पड़ती है। या तो जो पेंशनरी बेनिफिट उसको मिले हैं वो घर में बैठकर उसको खाने पड़ते हैं या अपने खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है, जो बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया है जिसकी तैयारी करी है वो भी हमको मिल जाए, और हम एक छोटी जॉब पहले ज्वाइन कर लें जिससे हमारे खर्चे भी निकल जाएं, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे जैसे कहावत में कहा जाता है, यानी दोनों ही काम हमारे हो जाएं। इसका हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि जो 14 अगस्त 2014 का लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो क्या कहता है। ये लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरह उसको पढ़ करके समझ सकते हैं और निश्चिंत होकर के नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके जो पैरा नंबर 1 में बोला गया है कि जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो 10% और ग्रुप डी की पोस्ट है वो 20%, इनमें आरक्षण सीधी भर्ती का होगा। साथ ही जो अर्धसैनिक बल है उसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट है, सहायक कमांडेंट, उसके पदों तक 10% आरक्षण दिया गया है, जिसमें SI, ASI, हेड कांस्टेबल सारे पद आ जाते हैं और साथ में ही असिस्टेंट कमांडेंट भी आता है, जो उनका अफसर कैडर शुरू होता है, जो अफसर कैडर का पहला रैंक है वो भी सोल्जर्स को मिलता है रिजर्वेशन के थ्रू, 10% रिजर्वेशन उसका होता है। पैरा नंबर 2 में बताया गया है कि जिन लोगों ने किसी भी तरह की सरकारी नौकरी ले ली है एक बार, उसके बाद उनका जो आरक्षण का काम है वो कोटा है वो खत्म हो जाता है, उसको सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कोटा नहीं मिलेगा, जॉब का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो एज रिलैक्सेशन ले सकता है। इसमें आगे क्लेरिफाई किया गया है कि जो जॉब कोटा है वो उनका नहीं हटाया जाएगा जिन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में करी है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी टेम्परेरी नौकरी करी है, तो उस मामले में कोटा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका कोटा खत्म नहीं होगा। अगले पैराग्राफ में बताया है कि गवर्नमेंट को ये पता लगा है कि रिटायरमेंट के टाइम पर एक सोल्जर है वो बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वो एक जॉब किसी भी जॉब को चुन लेता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, वो ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद उसका चांस खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट ने ये महसूस किया है कि ये थोड़ा गलत हो जाता है। इस मामले में गवर्नमेंट ने तय किया है कि जिन पूर्व सैनिकों ने कई जॉब के लिए अप्लाई किया था और जब उसने किसी भी जॉब के लिए ज्वाइन किया, जैसे कि लोअर जॉब में ज्वाइन किया, तो उस टाइम पर उसको एक लेटर देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने उस डिपार्टमेंट में जिसमें वो ज्वाइन कर रहा है, कि उसने इन इन एग्जाम के लिए इस फॉर्म भरा हुआ है या उसमें एग्जाम दे रखी है जिसका रिजल्ट अवेटेड है, और जब उसको अच्छी जॉब लगेगी दूसरी या उसमें सैलरी अच्छी होगी तो वो उसमें जाना चाहेगा। अगर वो इस तरह की बात राइटिंग में देता है तो उसका चांस मिस नहीं होगा। जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है अगर उसमें जॉब रिजर्वेशन है तो वो उस रिजर्वेशन को अवेल कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं जो हमने तैयार किया है, कि मान लो कि एक सोल्जर की रिटायरमेंट की डेट 31 मार्च 2020 है,
उसने उससे पहले भी 3-4 जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या मान लो कि एक आरबीआई गार्ड के लिए उसने अप्लाई किया था। उसके बाद रिटायर होने के बाद आरबीआई गार्ड की एग्जाम हो जाती है, मान लो कि उसकी एग्जाम 15 अप्रैल 2020 को हो गई। उसके बाद उसने ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी जॉब के लिए अप्लाई किया 20 अप्रैल 2020 को। उसके बाद उसने बैंक क्लर्क के जॉब के लिए अप्लाई किया 5 मई 2020 को। उसके बाद जो एसएससी सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, उसके लिए अप्लाई किया 30 जून को। उसके बाद एसएससी में सीपीओ एसआई के लिए अप्लाई कर दिया, जैसे दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है उसके लिए अप्लाई कर दिया 25 जुलाई को। उसके बाद आईबीपीएस है उसके लिए जॉब आया 15 अगस्त को, उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया। उसके बाद कोई जॉब निकली स्टेट गवर्नमेंट की, पब्लिक सर्विस कमीशन की ग्रुप ए या ग्रुप बी की जॉब, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर ग्रुप ए और बी में भी एक्सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद रिजल्ट आ गया आरबीआई गार्ड का और ज्वाइनिंग कर ली उसने 1 अक्टूबर 2020 को। उसको जॉब की जरूरत थी और उसने जॉब ज्वाइन कर ली आरबीआई गार्ड की 1 अक्टूबर 2020 को। अभी वो क्या करे, उसने तैयारी अच्छी कर रखी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जॉब की भी कर रखी है और उसको लगता है कि वहाँ मेरे चांसेस बहुत अच्छे हैं, पर पैसे की जरूरत है, एक जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है अभी, क्योंकि उसके पास इन हैंड जो पेंशन आती है वो बहुत कम आती है, तो वो आराम से कर सकता है। यानी इस मामले में उसकी विन विन सिचुएशन रहेगी, क्योंकि उसने तैयारी अच्छी कर रखी है, बहुत सी जॉब के लिए अप्लाई भी कर रखा है। तो वो एक एप्लीकेशन तैयार करेगा, उसमें क्या क्या चीज लिखेगा हम आपको सामने आगे बता रहे हैं। जो वो एप्लीकेशन तैयार करेगा उसमें वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एड्रेस करेगा, यानी हेड ऑफ ऑफिस को, कि श्रीमान मैंने ये एग्जाम दी है या जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिसमें वो दे सकता है सीरियल नंबर, नेम ऑफ जॉब ऑलरेडी अप्लाइड, डेट ऑफ अप्लाइंग यानी किस तारीख को उसने अप्लाई किया है, एग्जाम इफ हेल्ड अगर एग्जाम हो गई है तो उसकी डेट लिख दे, नहीं तो वो ब्लैंक छोड़ दे, प्लेस ऑफ एग्जाम अगर एग्जाम हुई है तो उसकी जगह लिख दे, नहीं तो वो भी खाली छोड़े, रिजल्ट रिसीव्ड और अवेटेड उसमें लिख दे कि इसका रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट नहीं आया है या अभी एग्जाम नहीं हुई है, ये सारा लिख करके डिपार्टमेंट को दे दे और उसके बाद उसकी एक रसीद पक्की अपने पास रख ले, क्योंकि हो सकता है 2 साल बाद में रिजल्ट आए और तब तक वो जो स्टाफ है वहाँ पे ऑफिस में काम करने वाला सारा चेंज हो जाए। आप बोलोगे मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, वो बोलेंगे नहीं कहीं नहीं मिल रही है। पहले तो कोशिश करो कि जो कंसर्न क्लर्क है, जो भी डीलिंग क्लर्क है या डीलिंग आदमी है, उसको बोलो कि भाई ये मेरे सर्विस रिकॉर्ड में एप्लीकेशन लेटर दिया है वो लगा दो, या ऑफिस रिकॉर्ड में भी आप सेफ रखो, प्लस मुझे एक रसीद दे दो उसकी, एप्लीकेशन की 2 कॉपी बनाओ, एक पे आप रसीद ले लो, स्टैंप लगवा लो, जो अथॉरिटी है उसके साइन करवा लो, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड आपने नई जगह भी जाके दिखाना है। यहाँ पर जब आप लेंगे रिटायरमेंट तब भी आप दिखाएंगे कि मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, मुझे यहाँ से आप छोड़ दो, रेजिग्नेशन लिखेंगे आप तब भी आपको काम आएगा, और जब नई जगह पे आप ज्वाइन करेंगे तब आप बताएंगे कि एक्सपीरियंस में कि मैंने यहाँ यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ से मैं इस जगह से मैं रिजाइन करके आ रहा हूँ, तो वो तभी बोलेंगे कि आपका जो कोटा तो खत्म हो गया। तो आप दिखा सकते हैं कि देखो मैंने ये डिक्लेरेशन दी है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, और जो आपने जितनी वहाँ पे जॉब करी वो भी आपकी जॉब में शामिल हो जाएगा, यानी वो भी आपकी सर्विस में काउंट किया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे, कि आपने वहाँ जॉब करी है वो भी आपकी सर्विस में दिखाया जाएगा कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस इतनी होती है। कई बार क्या है कि एक सोल्जर को अगर दोबारा उसने 20 साल तक नौकरी कर ली तो सिविल जॉब का भी उसको पेंशन मिलता है, तो उस पेंशन के लिए भी आप उसमें हकदार हो जाएंगे। वैसे तो आजकल जो पेंशन है वो न्यू पेंशन सिस्टम लागू हो गया उसमें नहीं हुआ, पर धीरे धीरे कभी कभी बातें आती हैं कि शायद ओल्ड सिस्टम लागू हो जाएगा, अगर ओल्ड सिस्टम लागू होता है तो वो एक दूसरी पेंशन का हकदार हो जाता है। तो एक ये तरीका है, तो हम देख सकते हैं कि जॉब कोई अगर हमने ज्वाइन कर ली तो वो मिलता भी है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हाँ भी और नहीं भी। तो नहीं तो है कि एक बार आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, पर हाँ इसलिए कि अगर ज्वाइन करते टाइम आपने और कई एग्जाम अटेंड कर रखे हैं, फॉर्म भर रखे हैं, अगर आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है तो आपके कोटे पर कोई आंच नहीं आएगी, आपको कोटा बिल्कुल मिलेगा। पर ध्यान रखें कि ये डिक्लेरेशन आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देना है, यानी ज्वाइनिंग लेटर आप देंगे, अराइवल रिपोर्ट देंगे, उसके साथ ही ये आपने डिक्लेरेशन भी देना है, बाद में नहीं। हो सकता है बाद में नहीं लें या बाद में आपका मान्य न हो, जब नई जगह पे आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आपने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रीवियस जॉब आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, बाद में दी, ये नहीं चलेगा। अब बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट के मामले में क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू की है पॉलिसी उसी को मानते हैं, पर कई स्टेट हैं पिछले काफी टाइम तक जो ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट थी उसका था कि अगर आपने लोअर कैटेगरी की कोई जॉब ज्वाइन कर रखी है और आपने बाद में एग्जाम दी और आपको हायर पोस्ट अगर मिलती है तो उसमें आपको कोटा मिलेगा, पर अभी फिलहाल उन्होंने बताया है कि अभी हमारी ये पॉलिसी नहीं रही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी पॉलिसी को हम मानेंगे। तो ये साथियों सिचुएशन है इस मामले में, कोटे के मामले में, कि किस कंडीशन में आपको कोटा मिल सकता है दूसरी जॉब में भी और किस कंडीशन में नहीं मिल सकता है। तो आप जब भी कोई जॉब ज्वाइन करें तो वो ध्यान रखें, हाँ अगर प्राइवेट जॉब है, टेम्परेरी जॉब है, वो बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोटा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर सरकारी जॉब है तो ज्वाइन करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने जो 2 साल से 3 साल से
तैयारी कर रखी है, जिसका एग्जाम दिया है, और पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब में ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग में या उसका रिजल्ट आने में, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत हैंडी रह सकती है, फायदा दे सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, और जिनको आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।